भारत के इंटरनल मामले पे दिया जाएगा। क्रिटिसिज्म हुआ है सदन आपका है। 75 इयर्स के देश की लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और सरकार का आप कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय सभा सदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे पूर्व चार साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री विजेंद्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश के संबल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री विजेंद्र पाल सिंह 3 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री विजेंद्र पाल सिंह जी का निधन 25 नवंबर 2022 को 74 वर्ष की आयु में मुरादाबाद में हुआ। श्री आनंद रत्न मोरे उत्तर प्रदेश के चंदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मोरे ने विदेशी मामलों संबंधी समिति और प्राकलन समिति सहित विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। श्री आनंद रत्न मौर्य जी का निधन 20 जनवरी 2023 को 67 वर्ष की आयु में गाजियाबाद में हुआ। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 3री 4थी और 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री प्रसाद सरकारी आश्वासन संबंधी समिति और नियम समिति के सदस्य रहे। उन्होंने केंद्र सरकार में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद 1995 से 2000 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन 94 वर्ष की आयु में 22 जनवरी 2023 को पटना में हुआ। श्रीमती जे जमुना आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा की सदस्य थी। फिल्म अभिनेत्री श्री जमुना ने अनेक तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और थिएटर कला के संवर्धन के लिए कार्य किया। श्रीमती जे जमुना जी का निधन 86 वर्ष की आयु में 27 जनवरी 2023 को हैदराबाद में हुआ। ये सभा हमारे पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है, शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं में मौन रहेगी। ओम शांति। राजनाथ सिंह जी, खड़ा हुआ हूं। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको यह आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। प्रश्नकाल प्लीज। माननीय सदस्य अपनी अपनी सीट पर विराजे हैं। प्रश्नकाल है, माननीय सदस्य अपनी अपनी सीट पर विराजे हैं।
मान्य सदस्य प्रश्नकाल है, मैं आपसे आग्रह करता हूं सब अपनी अपनी सीट आप विराजे। डेमोक्रेसी है सर, हमारे कर्नाटक में तो विश्वगुरु बसवण्णा ने ये अनुभव मंडप किया था, जो बोलना चाहते हैं, जो बार बार प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं, ऐसे देश से आते हुए इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था, जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, व्हेन द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, हु वाज इन पावर सर? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रमुगलिगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था, और उसको नॉनसेंस कहा गया था, व्हेन ऑफ द डेमोक्रेसी एट दैट टाइम सर, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर लुक्स, देन प्राइम मिनिस्टर लुक्ड हेल्पलेस, वेयर आर द डेमोक्रेसी सर? ऐसे व्यक्ति जाके जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे, उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं, मैं ये टोटल कंडेम करता हूँ। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन खंडन करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए, यही हमारा डिमांड है सर। और अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ, मोदी जी का क्रिटिसिज्म इस देश में हुआ सदन की कार्यवाही चलने दे। वो जो इलेक्टेड है, ये सब लोग जो थे कांग्रेस के, जो प्रधानमंत्री जो नारेबाजी करना उचित नहीं, हमारे इसमें आप जाइए, प्रधानमंत्री को पर्याप्त है, पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। क्रिटिसिज्म हुआ है, सदन आपका है, 75 इयर्स के देश की लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है, और सरकार का क्रिटिसिज्म, दुनिया के संसद सदस्य क्रिटिसिज्म और दुनिया के अध्यक्ष बाहर जाके जो भारत का लोकतंत्र सशक्त मजबूत है, वो आपको बाहर बोलने की आजादी है, बोलते हैं आप एक खीट बजाइए, मैं बोलने की आपको इजाजत दूंगा, मांगना चाहिए, आप खीट बजाइए, हाउस में पूरा बजाइए, मैं बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।